झारखंड दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय, चुनावी जनसभा और रोड शो करेंगे और साथ ही साथ सिमडेगा के गांधी मैदान में परिवर्तन यात्रा सभा में भी शामिल होंगे। के रसई में करेंगे रोड शो और कुरडेग में परिवर्तन यात्रा सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुखिया भी पहुंचे थे झारखंड, क्योंकि झारखंड में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि आसपास के तमाम राज्यों के मुखिया को ही वहां की चुनावी जिम्मेदारी दे दी जाए। मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे सहयोगी खोमन, सीधा उनका रुख करूंगे। खोमन, सीएम विष्णुदेव साय को जिम्मेदारी झारखंड चुनाव की सौंपी गई है, इसी कड़ी में सीएम का आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है और क्या समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी की इस जिम्मेदारी के पीछे? देखिए, झारखंड जो है आदिवासी बहुल इलाका है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं, उसी समाज को साधने के लिए विष्णुदेव साय को झारखंड भेजा जा रहा है। यही कारण है कि आज रोड शो और जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के ऐसे बहुत सारे नेता हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू है, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री हैं, संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनको जिम्मेदारी झारखंड की दी गई है। झारखंड की जिम्मेदारी देने का कारण भी यह है कि अंजलि, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ राज्य है, ऐसे में बहुत सारे सामाजिक लोग, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज है जो झारखंड से मिलता जुलता है। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं वहाँ जाकर बहुत सारे ऐसे समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनसे संपर्क करेंगे और बीजेपी को जिताने की अपील करते हुए नजर आएंगे। और यही कारण है कि सभी नेताओं को चार विधानसभा, छह विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। खासकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात की जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आने वाले दिनों में और भी ऐसे रोड शो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है झारखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से बिल्कुल, और बीजेपी शासित प्रदेश है भी नहीं झारखंड, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है हर संभव प्रयास किया जाए इस बार वहां पर परचम लहराने का। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए।